नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 2 यात्रियों की मौत, 14 घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में संतरागाछी रेलवे स्टेशन के फुटब्रिज पर भगदड़ मचने से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। स्टेशन पर 3 ट्रेनें एक साथ आने से यह हादसा हुआ। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने खड़गपुर में हेल्पलाइन नंबर 03221072 और संतरागाछी में 03326295561 नंबर जारी किया है। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना छुट्टी पर भेजे गए। एम नागेश्वर नए निदेशक। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनके दफ्तरों को सील कर दिया गया है। ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाया गया है। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोइन कुरैशी को क्लीन चिट देने में रिश्वत के आरोप पर सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर केस दर्ज किया है। इसके बाद राकेश अस्थाना ने डायरेक्टर आलोक वर्मा पर 2 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया था। इसराइल की खुफिया एजेंसी की मदद से हुआ पेटीएम ब्लैकमेल मामले का पर्दाफाश। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से पेटीएम के सीक्रेट डाटा चोरी करके ब्लैकमेल करने के मामले का पर्दाफाश हुआ। मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम के एमडी विजय शेखर के पास जब रंगदारी के लिए व्हाट्सएप वे वर्चुअल नंबर से कॉल आने लगी तो उन्होंने इसराइल के कुछ कस्टमर से मदद मांगी। इस पर मोसाद ने वर्चुअल नंबर को डिकोड कर कॉलर कोलकाता निवासी रोहित चोमल के बारे में जानकारी दी। शरद पूर्णिमा पर अमृत बन जाती है राग भर रखी खीर। देश भर में धूमधाम से आज शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इसी के साथ शरद ऋतु की शुरुआत भी हो गई। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी से अमृत बरसाता है। इस कारण लोग खीर बनाकर पूरी रात चांदनी में रख देते हैं और अगली सुबह स्नान करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे वे निरोगी हो सकें। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूध में लैक्टिक एसिड और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। साथ ही चावल में मौजूद स्टार्च इस प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इस रात्रि खुले आसमान के नीचे खीर रखने का विधान किया, क्योंकि इस दिन चांद की रोशनी सबसे अधिक होती है। दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए, क्योंकि चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रूस के साथ परमाणु हथियार संधि खत्म करने की अमेरिका ने की पुष्टि। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद पुष्टि की कि अमेरिका परमाणु हथियार संधि को खत्म करेगा। बोल्टन मॉस्को में कहा कि रूस काफी समय से इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, जिस कारण चीन जैसे देशों की शक्ति बढ़ रही है। चीन द्वारा अमेरिका पर किए जा रहे साइबर हमलों को देखकर लगता है कि दोनों देश पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं। लंदन में गूंजा पीओके की आजादी का नारा, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने लंदन में ब्लैक डे मनाया और पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान छोड़ने की मांग करते हुए सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके पर 1947 से अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके विरोध में लोग यहां एकत्र हुए थे। एफडी से अब हर महीने कमा सकते हैं रुपए। भविष्य के लिए सेविंग के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इससे हर महीने इनकम भी हो तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, यस बैंक आदि कुछ बैंक FD कराने पर मंथली इनकम की सुविधा भी मिलती है। इस तरह की सुविधा को मंथली इनकम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, जिस बैंक FD पर ब्याज मंथली, क्वार्टरली या छमाही आधार पर देते हैं। बजरंग पुनिया बने 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले पहलवान। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने भारत को रजत पदक दिलाया। वह जापान के ताकुतो ओतोगुरा से 16-9 से हार गए। बजरंग भले ही स्वर्ण पदक जीतने में विफल रहे, लेकिन विश्व चैंपियनशिप में वह 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। उन्होंने 2013 में कांस्य पदक भी जीता था। ताकुतो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जापान में सबसे युवा पहलवान बने। कपिल शर्मा गिनी चतुरथ संघ जलंधर में लेंगे 7 फेरे। दीपिका पादुकोण को अपना सबसे बड़ा फैन बताने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा उनकी शादी के 1 महीने बाद दिसंबर में गिन्नी चतुरथ के साथ विवाह बंधन में बंध जाएंगे। कपिल ने कहा कि शादी 12 दिसंबर को जालंधर में होगी। यह गिन्नी का होम टाउन है। गिन्नी अपने परिवार की इकलौती बेटी है, तो वे लोग यह शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।